ये कहता है प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एंगल 45 डिग्री विथ हॉरिजेंटल। अब हॉरिजेंटल से हमने एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर दिया, यहाँ से हमने हॉरिजेंटल से एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया, तो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या वेलोसिटी जीरो होती है? नहीं भैया, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो नहीं होती है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे अगर हमने यू से प्रोजेक्ट किया, थीटा 45 डिग्री है प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है वो इधर होती है और उसकी वैल्यू होती है यू कॉस थीटा। दिस इज द वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट और वो एक्स एक्सिस के अलोंग होती है। तो यू कॉस थीटा मतलब यू कॉस थीटा रूट टू, तो ये आ जाएगा वेलोसिटी इतना मीटर पर सेकेंड, ये हम लोग को वेलोसिटी इतनी आ जाएगी। क्लियर है? चलो, तो काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे क्या आ जाएगी? हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट। अब हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मास एम और वेलोसिटी वी का स्क्वायर मतलब यू स्क्वायर ओवर टू, इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 और एम यू स्क्वायर बाई टू, और ये जो है वो काइनेटिक एनर्जी एट द लोएस्ट पॉइंट, और लोएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितना एक आ रहा है? के ले लो, ठीक है। तो लोएस्ट पॉइंट पर अगर के ले लिए तो के बाई टू, तो के बाई टू जो है दैट इज द काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट। अगर काइनेटिक एनर्जी हॉरिजॉन्टल हाइविंग काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी विद हॉरिजॉन्टल, हाँ यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो है वो के है, हाफ एम यू स्क्वायर की वैल्यू के है और वो रूट टू 45, ठीक है, के बाई टू, बी ऑप्शन सही है। क्लियर है? हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी